नमस्कार जय भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है शिक्षा पर टैक्स लगाना यह एक पेचीदा विषय है इसीलिए भारत के अंदर शिक्षा की जो कोर एक्टिविटीज है उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है लेकिन उसके अलावा की एक्टिविटीज पर जीएसटी लगता है इसी के कारण से जो GST का एग्जामशन नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड अलग एंट्रीज दर्शाई गई है और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ आती है उन पर GST नहीं लगता इसी संदर्भ में जो अलग अलग सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स हैं वे विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कंडक्ट करवाते हैं उसके लिए स्टूडेंट्स से फीस भी चार्ज करते हैं तो क्या उस फीस पर जीएसटी दे होगा या नहीं होगा इसके संदर्भ में कुछ डाउट्स क्रिएट हुए और उसी का स्पष्टीकरण सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंड कस्टमुलर फिफ्टी वन ऑब्लिक सिक्स ऑब्लिक टू 6 2021 जीएसटी दिनांक 17 जून 2021 के द्वारा जारी किया है अलग अलग सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स हैं उनके संदर्भ में मुख्यतः ये तीन इश्यूज अराइज हुए हैं नंबर वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन चार्जिंग अ फी फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्राप्त करवाने के लिए फीस लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है क्या उस पर जीएसटी लगेगा या उसमें जीएसटी में से एग्जामेशन मिलेगा सेकंड इश्यू है इनपुट सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स इस प्रकार की एग्जामिनेशन लेने के लिए जो इनपुट सर्विसेज अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा दी जाती है उनको जीएसटी में से एग्जामेशन मिलता है या नहीं मिलता है और थर्ड है एक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल अर्थात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या प्रोफेशनल्स को मान्यता प्रदान करना जिसके आधार पर वे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर कार्य कर सके इन्हीं तीनों विषयों पर जीएसटी काउंसिल ने तिशवी मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया और इनके बारे में रिकमेंडेशन दिया जिसी के आधार पर यह सर्कुलर जारी किया गया है इस सर्कुलर में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसे देखने से पहले हम ये नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट का सीरियल नंबर 66 देख लेते हैं इसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड ये क्लोज डबल ए है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी इस पर जी नहीं लगता है अर्थात जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वह यदि एंट्रेंस फी के सामने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है तो उस सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा इसी प्रकार यह जो क्लॉज बी है वह और उसका सब क्लॉज फोर उस पर भी हम ध्यान आकर्षित करें तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन अर्थात जो भी सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी है इस प्रकार की एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा इसी नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के पैरा टू में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसकी डेफिनेशन दी है उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाई व्यव या प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल का एजुकेशन देते हैं उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम यदि क्यूरिकुलम के पार्ट के रूप में एजुकेशन देते हैं उसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दायरे में रखा गया है और एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स यह भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दायरे में आता है हालांकि जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स होते हैं वे इस प्रकार की एजुकेशन देते नहीं हैं वे केवल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं इसलिए इस नोटिफिकेशन के अंदर बाद में यह एक्सप्लेनेशन फोर ऐड किया गया था पैरा थ्री के अंदर फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड सेल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लिमिटेड परपज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसिस बाई वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट जहां पर बच्चों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों की एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए यह जो भी स्टेट या सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दायरे में माना जाएगा इस प्रकार का यह एक्सप्लेनेशन दिया गया है अब वापस सर्क्यूलर की तरफ आते हैं इस सर्क्यूलर में एग्जाम्पल दिया है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का जो नीट की एग्जाम लेते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम उसके बारे में दर्शाया गया है कि यह डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड की भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड की के लिए भी एग्जामिनेशन लेते हैं यह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टडीज के लिए सिलेबस और कोर्सेज भी प्रिस्क्राइब करते हैं यह एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करते हैं डिग्रियां भी देते हैं डिप्लोमा और अधर एकेडमिक डिस्टिंक्शन के सर्टिफिकेट भी देते हैं इस प्रकार से जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है वह सारे काम वैसे ही करते हैं जैसे सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड करते हैं इसलिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड ही मानना है और उसी के अनुसार उसको एग्जामेशन का बेनिफिट मिलेगा यहां पर इस सर्कुलर में भी जो नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट का पैरा थ्री में एक्सप्लेनेशन फोर इंसर्ट किया गया था जिसके अंतर्गत यह दर्शाया गया था कि सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स आर ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स और क्योंकि इसमें सर्कुलर में स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन व सेंट्रल एग्जामिनेशन बोर्ड ही है इसलिए जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है NBE, उसको जीएसटी में से प्राप्त होगा आगे इस सर्कुलर में नोटिफिकेशन नंबर ट्वेल्व ऑफ 2017 के सीरियल नंबर 66 का क्लॉज ए ए की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है उसे जीएसटी में से एग्जाम किया गया है और उसी सीरियल नंबर 66 के क्लॉज बी और सब क्लॉज फोर में सर्विसेज यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड की जाती है दूसरे किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा तो भी उसे एग्जामेशन दिया गया है अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को भी रिफर किया गया है इस सर्कुलर में और अंत में जो तीनों डाउट हैं उनके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि जीएसटी इज एग्जाम ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग दी बोर्ड सच एज एन जो भी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड है जिनमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे बोर्ड भी शामिल हो गए हैं उनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए उन पर जीएसटी नहीं लगेगा वे जीएसटी मानी जाएगी इंक्लूडिंग कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो नॉर्मल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसमें भी यह लाभ मिलेगा और यदि कहीं पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं तब भी वह लाभ मिलेगा जीएसटी एग्जामेशन का देर जीएसटी सेल नॉट अप्लाई टू एनी फी और एनी अमाउंट चार्ज बाई सोर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ सर्च एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसलिए इस प्रकार की जो एंट्रेंस एग्जाम यादर एग्जाम के लिए फी ली जाती है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के द्वारा उस पर जीएसटी नहीं देना होगा वह जीएसटी में से एग्जाम है जीएसटी इज ऑल्सो एग्जाम ऑन इनपुट सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यदि इस प्रकार की सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स हैं, वे कोई एग्जामिनेशन लेते हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी सम्मिलित है उनके लिए उनके खुद के पास कोई सुविधा नहीं है लेकिन वे किसी थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेते हैं जैसे कि ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस रिजल्ट पब्लिकेशन प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड एंड क्वेश्चन पेपर इस प्रकार की अलग अलग सर्विसेज यदि स्टेट या सेंट्रल एग्जामिनेशन बोर्ड लेते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी जीएसटी नहीं देना है तो इस प्रकार से स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड वह जो सर्विस प्राप्त कर रहे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा यह नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 के सीरियल नंबर क्लॉज क्लॉज बी सब फोर के अनुसार है लेकिन इसके अलावा की जो सर्विसेज़ हैं जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्रदान करना या किसी प्रोफेशनल को मान्यता प्रदान करना जिसके आधार पर वह आगे अपना प्रोफेशनल कार्य कर सके उसके लिए यदि कोई फी ली जाती है तो वह जीएसटी में से नहीं है और ऐसी जीएसटी 18% के दर से चार्ज करना होगा आज के अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद